हिमाचल में मॉनसून को लेकर 11 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं बीते 24 घंटों से प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर भी जारी है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून रफ्तार पकड़ने लगा है। समूचे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, जिस कारण प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 12 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश होगी, साथ ही बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने इस दौरान भारी बारिश के चलते शिमला और सोलन जिले में भूस्खलन और पेड़ों के गिरने की आशंका जाहिर की है और लोगों को वाहनों को चलाते समय एहतियात बरतने की सलाह भी उन्होंने दी है। अभी जैसे कि जो कल शिमला में भी जो कल से लगातार बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, तो उससे जो ऐसे में थोड़ी भी बारिश होती है, अगर मतलब हैवी बारिश ना भी हो और लगातार बारिश रहती है, तो जो लैंडस्लाइड की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसमें जो विजिबिलिटी है वो भी कम रहेगी, तो ऐसे में जो ड्राइव करना है, जैसे लोग बाहर पर्यटक भी आजकल जो है वो दोबारा से आने शुरू हो गए हैं, तो उनको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है, साथ ही शिमला और सोलन में कई जगहों पर भूस्खलन होने की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को वाहन भी संभाल कर चलाने की हिदायत दी गई है।